नमस्कार दोस्तों, मैं इस बैलन सर और आप देख रहे हैं हमारा यूपी लाइव 100 न्यूज। यूपी लाइव 100 न्यूज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। देश भर के हर छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए सिर्फ यूपी लाइव 100 न्यूज। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। थाना रामगढ़ में बीती रात पुलिस टीम पर ग्रामीणों द्वारा प्रथाव व तोड़फोड़ करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक महादेव की बाइट। जनपद बहराइच के थाना रामगांव में कल रात्रि में एक घटना घटित हुई, जिसमें ग्राम जम्वापुर के एक मजरे का रहने वाला बालक राम अपने मजरे में न जाके दूसरे मजरे में चला गया। लोगों द्वारा उसको चोर समझ लिया गया और घर में बंद कर दिया गया। मौके की सूचना पाते ही तत्काल 2 PRV और थाने का फोर्स वहां पर पहुंचा। जब बालक राम को रेस्क्यू करके पुलिस फोर्स साथ ले आ रहा था, तो कुछ ग्रामीणों द्वारा पुलिस फोर्स पर पथराव किया गया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और PRV का एक शीशा टूटा है। इस संबंध में थाने पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वीडियो सामने आया है, जिसके आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है। इस घटना को कारित करने वाले लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। थाने को इस घटना से संबंधित सख्त निर्देश दिए गए हैं कार्रवाई करने के। इसी के साथ साथ इस घटना को बच्चा चोरी की अफवाह के साथ जोड़ के सोशल मीडिया के माध्यम से व अन्य मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। मौके पर जांच CO महसी द्वारा की गई है। ऐसी कोई भी बात प्रकाश में नहीं आई है, जिनके द्वारा भी ऐसी अफवाह और भ्रामक जानकारियां सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए।